Marked a location. क्या हाल चाल है, होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो एक और नया दिन एंड वापस यार एक और 42 के माइनस के फटके के साथ अपन आ चुके। अब यार पता नहीं लास्ट के 3 दिन अपने इतने ख़राब रहे ना कि दिन की शुरुआत एकदम मस्त होती है, स्टार्टिंग के 3 से 4 गेम्स जो रहते हैं ना उसमें यार मस्त 1-2 चिकन निकल जाते हैं, अच्छा खासा 40-50 का प्लस हो जाता है। लेकिन उसके बाद भाई अपना बुरा टाइम शुरू होता है, एक ना एक गेम में भाई हैकर आता है, भाई स्टार्टिंग में पेल के चला जाता है और जितना प्लस किया था वो सारा का सारा एक ही गेम के अंदर माइनस हो जाता है। सो ये सिलसिला तो यार चालू ही रहेगा। लेकिन काफ़ी बंदे मेरे को पूछ रहे थे कि मैंने यार रूटर पर स्ट्रीम क्यों नहीं चालू की, तो देखो सीन ऐसा था ना कि मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था, बस सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे ना सीन ऐसा है कि आईफोन पे ना मतलब iOS के ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रही है रूटर ऐप पे, तो अब जब तक वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होते ना तब तक थोड़ा सा मतलब डिले होगा। लेकिन बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम अपन स्टार्ट करने वाले, सो उन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार आज की वाली गेम की बात कर रहे हैं ना, लिटरली यार आज से पहले ना शायद से आपने ऐसा गेम देखा होगा मेरे चैनल पे, बिकॉज इसमें डोमिनेशन ही इतना है। आप गैस करो कि कितने किल्स होंगे, बस गैस करना। उसके बाद यार कमेंट सेक्शन में भाई गेम प्ले खत्म होने के बाद मेरे को बताना कि आपका गैस सही था कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ना जोन जो था वो रोजोक के ऊपर की साइड वाले एरिया पे बना हुआ था। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये वाले वॉच टावर पे, जैसे यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ एक US वाला बंदा आता है, आराम से बंदे को पेल देते। लेकिन इसके बाद वाला जोन जो था ना वो यार पूरा का पूरा अपने वजह से शिफ्ट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से यार अपनी बग्घी उठाऊंगा और यहाँ से जोन की तरफ निकल लूँगा। अब यार यहाँ पे जिस हिसाब से जोन बना था ना उस हिसाब से तो मेरे को यही लग रहा था कि जोन जो है ना वो पानी के वो साइड जाने वाला है। लेकिन अब यार यहाँ पे मैं कंफर्म तो नहीं था और जोन के अंदर कुछ ऐसी अच्छी खासी जगह भी नहीं थी कि जहाँ पे मैं होल्ड कर सकूँ गिने चुने कंपाउंड से, जो कि जोन के सेंटर में भी नहीं थे, जोन के एजिस पे थे और जोन का जो सेंटर था ना वो पूरा का पूरा ओपन था। तो अभी के लिए तो यार मैं ये वाली जगह पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी बंदा रहता है नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को जोन के अंदर एक अच्छी पोजिशन मिल चुकी थी। लेकिन भाई मेरे अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा बंदे आने वाले, अब बस देखते जाओ यहाँ पे और कितने बंदे आते। अब यार पता नहीं ये वाला बंदा यहाँ पे कौन से नशे करके यार बग्घी चला रहा था, सीधा मेरे मुंह पे आके बग्घी रोकता है और भाई इजीली इसको पील देते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यार यहाँ पे बैक टू बैक अपने ऊपर भाई बंदे आने वाले हैं, एक बंदे को पेला दूसरा बंदा आता है। अब इधर बंदा जो था वो इधर सामने वाले बंकर पे जाके रुक चुका था, तो अब यार बंदे के ऊपर सीधा तो इधर मैं पुश मार सकता था नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो यहाँ पे भाई मैं इधर ग्रेनेड मारने का ट्राई करता हूँ और ग्रेनेड भी एकदम परफेक्ट जाता है, आराम से बंदे को पील देते हैं। लेकिन उतने में यार यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। और भाई हर बार की तरह ये वाले बंदे को भी सीधा नेड से भर देते। और अब अगला जोन भी यहाँ पे बन चुका था एंड इस बार अपन जोन के एच पे आ चुके थे। अब पीछे की साइड यार काफ़ी ज़्यादा बंदे इधर होल्ड कर रहे थे। सो अब यहाँ पे मेरे को इतना तो आइडिया हो चुका था कि अब सामने की साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी बंदे आएंगे ना वो पीछे की साइड से आएंगे। और यार पता नहीं ये वाले गेम में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि यार बंदे सिर्फ मेरी तरफ आ रहे थे अपनी पीडिया बनवाने के लिए। अब यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट अपन ने बैठे बैठे 5 से 6 किल्स कर लिए थे और अभी भी यार इधर जोन क्लोजिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अब तो यार यहाँ पे और भी बंदे आने वाले।
अब यार ये वाली जगह पे होल्ड करने में वैसे तो डर नहीं लगता क्योंकि तीनों जगह से तो यार यहाँ पे कवर रहता, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे बस ये एक साइड ही थी जो कि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओपन रहती एंड अचानक से यार अगर पीछे की साइड से कोई भी बंदा आ जाएगा तो यार वहाँ पे बचने के चांसेस नहीं रहते। उतने में भाई यहाँ पे एक यूएस वाला बंदा आ जाता है जो कि अपनी यूएस दे के भाई अपने को एक अच्छा खासा कवर बनाने का टाइम दे देता है। सो अब ये साइड भी अपन ने कवर बना लिया था तो अब ये साइड का भी कोई भी अपने को टेंशन नहीं था, बस अब यहाँ पे अपने को जोन बनने का वेट करना था एंड जोन के साथ ही अपन फिर रोटेशन लेना स्टार्ट करेंगे। अब यार यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 जोन होल्ड करने के बाद फाइनली इसके भाद वाला जोन यहाँ से शिफ्ट हो चुका था और ये जगह का अपने को इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ ना कि ऑलमोस्ट अपन ने 7 से 8 किल्स यहाँ पे बैठे बैठे निकाल लिए थे और अब फाइनली अपने को जोन के अंदर जाना था। यार मैं अपनी बग्घी उठाता और सामने की साइड का एरिया तो मैंने ऑलरेडी पहले से क्लियर कर दिया था। सो बस अब अपने को यहाँ पे टेंशन फ्री होकर जोन के अंदर जाना है और एक अच्छी पोजिशन होल्ड करनी और सिर्फ चिकन के लिए खेलना था। अब भाई जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं जोन के अंदर तो आ चुका था, लेकिन इसके बाद वाला जोन जो था ना वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका था। अब यहाँ पे मेरे को छोड़ के 2 और बंदे बचे थे। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही बंदे का नॉलेज था जो कि यार पानी के वो साइड था, लेकिन दूसरे बंदे का कुछ भी अता पता था नहीं। तो अब यहाँ पे अपने को जोन के अंदर भी जाना था, इसी वजह से यार पहले यहाँ पे मैं पूरी एक स्मोक होल बनाता हूँ जोन के अंदर जाने के लिए। और अब जब इन लोग आपस में फाइट कर रहे हैं तो मैं इसी चीज़ का फायदा उठाकर जल्दी से जोन के अंदर निकल लेता हूँ। और यार अब जबकि एक बंदा वो साइड है तो दूसरा बंदा मोस्टली अपने ही साइड होगा और अब बंदा इधर मेरे को स्पॉट आराम से ना कर ले, इस वजह से मैं अपने कपड़े वपड़े हटा देता हूँ और यार धीरे धीरे जोन के अंदर क्लोज इन करेंगे। अब और भाई जोन के अंदर आते ही यहाँ पे मेरे को राइट साइड में स्मोक दिख जाते, तो चलो दोनों बंदों के अपने को ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती। सामने वाला बंदा तो इधर पत्थर के पीछे है, सो अब बस अपने को राइट साइड वाले बंदे को ढूंढना है एंड इसको पीलना है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती, सामने वाला जो बंदा था ना वो भी इधर पत्थर के पीछे चला जाता है। सो अब बस इसके ऊपर नेट की बारिश करना अपन चालू करेंगे। और यार ये वाले बंदे को निपटाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचा था जो कि मेरे को लागे यार सामने वाले पत्थर के पीछे होगा और मैं कुछ ज्यादा ओपन में आ चुका था, तो यार पहले इधर मैं कवर में जाता उसके बाद सामने वाले बंदे को देखूंगा। लेकिन भाई इधर बंदा तो कुछ ज्यादा ही शाना था, जिस टाइम पे मैं इस बंदे के साथ फाइट ले रहा था उसी टाइम बंदा पानी के अंदर कूद जाता है और सही टाइम का वेट करके बैठा था। वो तो यार अच्छा हुआ कि इधर मेरे को इसका फुटस्टेप आ जाता, नहीं तो यार बंदा इधर पक्का ही मेरे को निपटा देता, या फिर अगर वहाँ पे बैठा रहता तो अब तक तो मेरी पीटी बनी चुकी होती। बाकी यार बढ़ते हैं आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। तो देखो ये वाला गेम ना थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि देखो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही किल था और वो भी यार इधर मेरे को बहुत गंदी फीलिंग आ रही है कि मोस्टली मैंने किसी ना किसी भाई बेचारे बोट को पील के वो किल लिया होगा। सब एक किल के साथ यहाँ पे अपन भाई लास्ट जोन तक सर्वाइव करते। और यार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी आप लोग को बता ही रखी कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब जब तक तुमको सही टाइम ना लगे ना तब तक यार यहाँ पे किसी भी बंदे को उंगली ना करना। अब यहाँ पे मेरे को जोन के एच पे ये अच्छी खासी एक पोजीशन मिल चुकी थी तो मैं मस्त यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ और यहाँ पे ना मैं कब तक होल्ड करूंगा और कब यहाँ पे किल्स निकालना स्टार्ट करूंगा वो देखो। अब मैं पहले से लेकर टॉप 10 तक यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही किल के साथ सर्वाइव करता हूँ, लेकिन जैसे अब यहाँ पे मैं टॉप 10 एंटर करता हूँ ना उसके बाद अपन अपना यहाँ पे बीस्ट मोड ऑन करते। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि मेरे दोनों साइड बंदे, मेरे पीछे भी बंदा है मेरे आगे साइड भी बंदा है, तो अब यहाँ पे अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो किसी ना किसी एक बंदे को पीलना होगा। यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि जोन के बाहर जो बंदा है ना उसको पहले पीलूंगा, इसी वजह से सामने एक साइड एक स्मोक कर देता हूँ और अब पीछे वाले बंदे को पहले देखूंगा। और भाई इसी के साथ ही पहले पीछे वाले बंदे को निपटा दिया था। सो अब एक साइड का एरिया जो था ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था, लेकिन उतने में यार यहाँ पे मेरे को नीचे की साइड से एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो जरा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना भाई ये वाले बंदे को आराम से किल कर देते। अब यहाँ पे भाई बचे हुए जो बंदे थे ना वो सामने एक साइड थे और अब यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर जाना था, लेकिन उतने में यार सामने एक साइड से एक BRDM वाला बंदा आता है।
और यार बंदा इधर सामने की साइड आके जंप करने लगता है। आप लोग यार मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो, अगर यहाँ पर मैंने किसी भी बंदे के साथ मीटअप किया तो उसके बाद कोई ना कोई बंदा इधर मेरे को रिपोर्ट मारेगा, और उसके बाद अगर इस बार मेरा अकाउंट बैन हुआ ना तो यार 7 दिन या 1 महीने का बैन होगा। इसी वजह से यहाँ पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। होपफुल यार आप लोग समझोगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। बाकी भी के लिए यार यहाँ पे मेरे को जून के अंदर जाना था, और अब यहाँ पे जून ज़्यादा दूर था नहीं, तो यार यहाँ पे मैं सोचा कि चलो सामने वाले बंदी की बीआरडीएम लेके यहाँ से जून के अंदर जाने का ट्राई करेंगे। अब यार बीआरडीएम लेके मैं जोन के अंदर तो आ चुका था, लेकिन बीआरडीएम जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से डैमेज थी। अभी के लिए ये जोन तक तो मैं पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद वाला जोन अगर अपने पे से शिफ्ट होता है तो फिर तो यार यहाँ पे अपने पास कोई दूसरी व्हीकल भी नहीं थी जोन के अंदर जाने के लिए। और ऐसे ही होता है यार, सामने की साइड जो बंदा था ना वो इधर जोन के अंदर हो चुका था, और अब यहाँ पे ना जोन के अंदर जाने के लिए भाई यहाँ पे अपने पास कोई व्हीकल भी नहीं थी, और एक ही रास्ता था जो कि यार यहाँ पे उस पर कोई कवर भी नहीं था। तो सबसे पहले तो यार बंदे को इधर मैं नेट से उड़ाने का ट्राई करता हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पे बंदा नेट से मर जाता तो यार फिर अपने लिए काम आसान हो जाएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे जोन स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम भी बचा नहीं था, और अपने पास सिर्फ 2 ही स्मोक थे, तो अब 2 स्मोक के सहारे किस तरह से जोन के अंदर जाएंगे वो देखो। अब यार पहले तो यहाँ पे मेरा प्लान ऐसा था कि यार टूटी फूटी बीआरडीएम लेके जैसे तैसे इधर जोन के अंदर पहुंच के कवर बना लूंगा, लेकिन बंदे ने तो यार पहले इधर बीआरडीएम फोड़ दी थी। सो अब यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी भाई, सीधा जोन के अंदर आता हूँ। और अब यहाँ पे शायद से बंदे को इधर आइडिया नहीं था मेरा कि मैं कहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। सो बंदा इधर मेरे ऊपर रैंडम नेट्स कर रहा था, और इसी चक्कर में यार बंदे से यहाँ पे गलती हो जाती है। और वाइस एग्जैक्टली लास्ट वाले बंदे को भी आराम से किल कर देते, एंड ये वाले गेम में अपने को 19 का प्लस मिल जाता है। सो बस ये था आज के गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से बंदे को चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है तो दूसरे शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।